हम लोगों ने बात करना चालू किया था फिक्स्ड एसेट्स के बारे में। आप में से कितने लोगों को याद है ये बात, आई डोंट रिमेम्बर, बट फिक्स्ड एसेट्स आर दोज एसेट्स हुज वैल्यूज ही रिमेन्स फिक्स्ड फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी हम लोगों ने बात किया था। हमने बात किया था ये सब हमारे टैंजिबल एसेट्स है। कृष्णा लेट अस कॉन्सेंट्रेट, आई विल गिव द फर्दर अनाउंसमेंट्स लेटर ऑन। अभी हम लोग बात कर रहे हैं, वी कम टू द इम्पॉर्टेंट थिंग एंड दैट इज बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। तो आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट नाउ। फिक्स्ड एसेट्स में हमने देखा वी हैव टैंजिबल एसेट्स एंड वी हैव इनटैंजिबल एसेट्स। मैंने इनटैंजिबल एसेट में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बताया था, दैट वॉज, व्हाट वॉज दैट इनटैंजिबल एसेट? वेरी गुड शुभम, यस इट इज गुडविल। याद है कि आप लोगों को गुडविल के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था, गुडविल कितना इम्पोर्टेंट है। वी स्पोक अबाउट गुडविल एट लार्ज कि हाउ गुडविल रन्स द बिजनेस। टाटा का एग्जाम्पल दिया था मैंने, अपना खुद का एरम कोचिंग क्लासेस का एग्जाम्पल दिया था, किधर के भाई बहन। ओके ओके सो माई थॉट सो, बट वो सरनेम भी एकदम अलग दिखा तो आई डिड नॉट कॉल। ओके ओके सो गुडविल। और मैंने आपको बोला था कि और भी कुछ इनटैंजिबल एसेट्स के एग्जाम्पल आप लोग ढूंढ के रखो। क्या आप में से किसी ने एफर्ट्स लिया इनटैंजिबल एसेट्स के लिए? व्हाट आर दोस, व्हाट आर द अदर एग्जाम्पल्स ऑफ इनटैंजिबल एसेट्स? ट्रेडमार्क, वेरी गुड। पेटेंट्स, वंडरफुल। कॉपीराइट, यस एवरीथिंग इज करेक्ट। ब्रांड नेम्स, ब्रांड रिकॉग्निशन, कस्टमर रिलेशनशिप डज नॉट कम एज अ एसेट एज सच, बट या इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, दे आर कॉल्ड एज आईपीस। अगेन कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, ये जो है ये सब चीज हम लोगों को नहीं आता है। लोगो कम्स अंडर ट्रेडमार्क कॉपीराइट्स। कृष्णा वेरी गुड अटेम्प्ट, बट या इट डज, इट इज कवर्ड। सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच वन सेपरेटली। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स विच यू हैव कलेक्टेड, बट ऑल आर करेक्ट, मतलब नथिंग इज रॉन्ग हियर, बट यू मस्ट अंडरस्टैंड द मीनिंग। या वॉट इज अ ट्रेडमार्क? वॉट इज अ ट्रेडमार्क? एनी आइडिया? ट्रेडमार्क किसको बोलते हैं, क्या होता है ट्रेडमार्क, किसको मालूम है क्या? वेरी गुड। हर ब्रांड का अपना एक लोगो होता है। आप लोग सब लोग लोगो समझते हो? लोगो यानी एक ऐसा चित्र जो बिजनेस को इंटरप्रिट करता है, दैट इज कॉल्ड एज ए लोगो। हर बिजनेसमैन, हर बिजनेस, कॉरपोरेट बिजनेस का अपना एक लोगो होता है। वो लोगो देख के दूर से समझ में आता है, अच्छा ये इसको बिलोंग करता है। लोगो आर वेरी पावरफुल। मैं तो लोगो का पावर इतना ज्यादा समझता हूँ मेरे दोस्तों कि कई साल पहले मैंने जब क्लासेस का बैग बनवाया था, कहीं पर भी कुछ भी नाम नहीं लिखा, सिर्फ एक लोगो डाला। बहुत सारे लोगों ने मेरे को पूछा अभी, लोगो हिंदी का लोगो अलग है, इंग्लिश का लोगो अलग है, कंफ्यूज हो रहा था। मैं बोला, बहुत सारे लोगों ने पूछा, बोला लोगो कैसा बात करता है, भाषा भाषा का फर्क है। सो मैंने उस पर्टिकुलर बैग में, ब्लैक कलर का बैग था और ऑरेंज कलर का अपना लोगो था। मेरे को बहुत सारे कस्टमर्स, फ्रेंड्स आके पूछे, यार ऐसा कैसे तूने बिजनेस किया कि बिना नाम लिखे तूने बच्चे लोगों को बैग कैसे बांट दिया? मेरे दोस्तों मैंने उनको समझाया कि कहीं तुम बैग क्लासेस का लेके जाते हो, मेरे को बताओ तुम्हारे उसके अंदर बड़ा बड़ा क्लास का नाम लिखा रहेगा, आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है?
मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, दिस इज बिटवीन यू एंड मी, यस दिस इज अ वेरी ऑनेस्ट आंसर, यस। आई सी, मैं बहुत बार है ना, मैं स्टूडेंट के जैसा बन के बैठ के देखता हूँ और मैं सोचता हूँ मैं काय को लेके जाऊँ, इतना बड़ा ब्रांडिंग है ना, यस। तो तुम लोगों को वो अच्छा नहीं लगा, अगर उसमें नाम ऐसा बड़ा करके नहीं दिखाया, सिर्फ लोगो डाला, बोलो आपको अच्छा लगेगा क्या? मेरे दोस्तों, इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ, मैं तो अपने बहुत सारे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, मेरे क्लासेस में प्रैक्टिस करता हूँ, सिर्फ लोगो डाल के बैग दे देने का। एक तो बच्चा खुशी से लेके जाएगा, दूसरा आदमी पूछेगा अरे ये किसका बैग है रे, तब तुम बोल रहे हेरम का बैग है, हो गया ना एडवर्टाइजमेंट। लोग क्यों बांटते हैं बैग एडवर्टाइजमेंट करने के लिए? बड़ा बैग डालो या नाम से बुलाओ, हो गया एडवर्टाइजमेंट, छोटी सी बात है मेरे दोस्तों। बट इट हैज अ बिग रोल। तो हर लोगों को रजिस्टर करना पड़ता है, हर लोगों को रजिस्टर करना पड़ता है। रजिस्टर करने के बाद उसमें कोई स्लोगन रहेगा, तो स्लोगन के साथ रजिस्टर होता है। रजिस्टर करना मतलब गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स रहते हैं, गवर्नमेंट का जो ऑफिस रहता है, वहां पर जाके अपना लोगो और अपना जो भी ब्रांड नेम रहेगा उसको जाके रजिस्टर करना पड़ता है। आप कभी हेरम देखोगे तो थोड़ा अलग फॉन्ट में लिखा हुआ। आप में से अभी अपन ड्राइंग वाले लोग नहीं है, लेकिन ये ड्राइंग वाले लोग को मालूम रहता है। मेरा एक दोस्त था जो JJ स्कूल ऑफ आर्ट्स में जाता था, तो उसने मेरे को बताया ये गणपति का फॉन्ट है, ये मेरे को पता नहीं था जब तक मैंने हेरम का नाम नहीं लिया। सर आवाज ब्रेक हो रहा है। सॉरी सॉरी, या, देयर वाज अ नेटवर्क नेटवर्क इशू एट माय एंड, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। ओके, तो इज माय वॉइस क्लियर नाउ, बेटर नाउ? बेटर नाउ? आर यू एबल टू लिसन टू मी? ओके, सॉरी फॉर दैट स्मॉल इंटरप्शन, होता है बड़े बड़े क्लास में छोटे छोटे नेटवर्क जाते रहे। ओके, थैंक यू फॉर दैट। तो ट्रेडमार्क में आप जो है अपना लोगो, उसके साथ में कोई स्लोगन, मैं एक स्लोगन बनाता हूँ। अरे डायलॉग क्या है, एकदम दिल से आया हुआ आवाज है। मैं बोलता हूँ ओनली एन एक्सपर्ट कैन मेक एन एक्सपर्ट। तो ये उन दिनों की बात है जब मैं आरकेटी कॉलेज में हुआ करता था, तो
एंड कुछ लोगों को सुनकर अच्छा लगेगा, कुछ लोगों को ऑलरेडी मालूम रहेगा कि मेरी जिंदगी में घटी हुई घटना है। मैं मुझसे बहुत मस्तीखोर लड़का था, मतलब बहुत मस्ती करता था, पढ़ाई विढ़ाई को उतना सीरियसली कभी लाइफ में लिया नहीं, लेकिन फिर भी पास हो जाता था, अच्छे मार्क्स से पास हो जाता था। 12वीं में ऐसा हो गया कि आई गॉट सम 72.5%। आज के जमाने में 72.5 तुम बोलोगे छह, हमें तो असच घेतो 72.5, हमें 95 च्या वरती असेल तर बोला सर, आजकल हुशार उन लोग को माना जाता है। एंड आई गॉट 72.5 एंड आई गॉट सेकेंड रैंक इन आरकेडी कॉलेज। था तुमने पूछा फर्स्ट कौन आया रे, तो मालूम पड़ा एक लड़की फर्स्ट आई। सच्ची रे कृष्णा सर, आपके क्लासमेट जितने भी मेरे को मालूम है ना, सब बोलते हैं कि टॉपर थे, टॉपर थे, हम लोग बैक बेंचर। अरे मैं बता रहा हूँ ना, मस्ती कर रहा था मैं, ऐसा नहीं कि मैं मस्ती नहीं करता था। तो मैं ये किस्सा सुना रहा हूँ, ये उससे कंफर्म कर सकते हो, तेरा जो भी दोस्त है, मैं सेकंड रैंक आया था और फर्स्ट रैंक लड़की आई थी, और मैंने उसको मार्कशीट देने के बाद हम लोग प्रिंसिपल के कैबिन में खड़े थे, तो हमने बड़े शान से मैंने बोला आज के बाद तू कभी फर्स्ट नहीं आएगी। मतलब खुद का पैर से जाके कुल्हाड़ी की जब तो पड़ा, तो उधर जाके पैर मार के आ गया मैं। अब इज्जत का सवाल हो गया, तो FY SY TY में जग मार के पढ़ाई करना पड़ा। एंड देन यू नो व्हाट, FY SY TY में मैंने टॉप किया। इसीलिए लोग ये जो कृष्णा बोल रहा है, ये इसके लिए बोल रहा है कि मैं फर्स्ट, हाँ आई वॉज ए टॉपर इन आरकेटी फॉर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। मेरा अभी भी नाम नीम रहेगा, कोई बोर्ड वीड में कोने में लगा रहेगा। सो मैं बोलता था तभी शान से, क्योंकि मैं अच्छा पढ़ता हूँ तो मैं अच्छा पढ़ा सकता हूँ, ओनली एन एक्सपर्ट कैन मेक एन एक्सपर्ट। लेकिन तो ऐसा अपना ब्रांड रजिस्टर्ड है, हेरम क्लासेस का लोगो जो है, यस चैलेंज कंप्लीट है, सो दैट इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट। सो ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम, अभी आप लोग को मालूम है कि जो भी रहेगा अपने दिमाग के अंदर, ब्रांड का बहुत वैल्यू होता है। मैंने उस दिन जो बताया था, बाटा हो गया, टाटा हो गया, ये सब ब्रांड है, ठीक है, जो हम लोगों के दिमाग के अंदर बैठा है। उस दिन मैंने आपको एग्जाम्पल बोला रहेगा, कोलगेट का एग्जाम्पल बताया था मैंने आपको, शेयर किया था नहीं किया था? ओके, बाटा का मैंने शेयर किया था, मेरे को अच्छे से याद है। ब्रांड नेम का कितना असर रहता है मैं तुम लोग को बोलता हूँ। बहुत बार तुम लोग है ना प्रोडक्ट भूल जाते हो, ब्रांड नेम याद रहते हो। स्वरूप इतना क्यों ऐसा, एस भी लिखा तो यस इतना लिखता है, नो लिखा तो वो इतना लिखता है। लिज्जत पापड़, हाँ बरोबर है, वेरी गुड शुद्ध। हम लोग है ना ब्रांड नेम बहुत यूज करते। तो मैं ना, मेरे एक दोस्त की शादी में ना इंटीरियर महाराष्ट्र में गया था, वेरी गुड कीर्ति, यस लोकेश, मैं वही स्टोरी बता रहा हूँ। इंटीरियर गांव खेड़े में गया था, सब एकदम अच्छा, गांव वाले लोग सब अच्छा, हम लोग सब ऐसा ओपन आसमान के नीचे ऐसा खटिया डाल के सोए थे, काफी अच्छा लग रहा था। सुबह जैसे मैं उठ के बैठा वहां पर, तो गांव का एक बुजुर्ग आया, गांव का एक बुजुर्ग आके मेरे को पूछता है, सर कोलगेट केला का तुम्हें? क्या पूछा उसने मेरे को, कोलगेट केला का तुम्ही, म्हणजे काय विचारलं त्यांनी मला, व्हाट डिड ही आस्क फॉर, ब्रश किया गया। उनके दिमाग के अंदर बैठा है कोलगेट इज इक्वल टू टूथब्रश, ब्रशिंग द टीथ। ब्रांड नेम का असर, कोई भी चीज उनको सफेद और लाल में बेचो तो उन लोग कोलगेट समझ के ले लेते। बहुत बार यूज करते हैं घर पे कोई और ब्रांड, लेकिन बोलते हैं कोलगेट। किसी ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, हाँ कोलगेट केला का, यस एग्जैक्ट। किसी ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, बिस्लरी, कोई भी पानी रहने दो, कोई भी पानी किसी भी नाम का रहने दो, लेकिन लोग क्या बोलते, बिस्लरी आएगा, पानी है क्या नहीं पूछते, बिस्लरी है क्या, क्योंकि बिस्लरी ब्रांड नेम दिमाग के अंदर घूम गया है। कितने तो भी घर पे जो है आज भी बोलते हैं डालडा लेके आओ। डालडा क्या है, वनस्पति घी, यस, लेकिन बोलते वक्त क्या बोलते हैं डालडा, यस तन्मय, वेरी गुड, मैगी,
है ना। तो मैगी कुछ भी हो, क्या है वो टॉप रमी, मैं तो खाता नहीं, मेरे को आइडिया नहीं है। टॉप रमीन है और क्या क्या नाम, मेरा ब्रांड नेम क्या है, और उसमें कीपी है ना, टॉप रमीन, हाँ बराबर। तो लेकिन लोग क्या बोलते हैं, मैगी। यस, पाम ऑलिव ऑयल, ठीक है, पाम ऑयल जो रहता है। सो चिंग्स चाइनीज, आई एम वेरी पुअर एट दिस थिंग्स हर्षवर्धन, यू नीड टू टीच मी अबाउट दैट। स्कूटर को सब लोग एक्टिवा बोलते हैं, देर आर चांसेस। सो यू ऑल आर एक्सपर्ट्स इन दैट। यस, सो यू नो द यूज ऑफ ब्रांड, कि ब्रांड ने अपना नाम बना लिया तो कुछ भी चलता है। आजकल चाय का चल रहा है, अमृतल, क्या अमृतालय, अमृतालय, हाँ। येवले ने चालू किया तो अभी क्या पांडुरंग है, नहीं पंडरपुरी है, अमृतुल्य, हाँ अमृतुल्य। सो मेनी थिंग्स आर देयर, वी कैन टॉक अबाउट ब्रांड नेम्स। हाँ अमृतुल्य ना बेटा, बरोबर बोला ना, करेक्ट। ओनली फ्यू पीपल आर टॉकिंग विथ मी हियर, आई एम मिसिंग ऑल माई अदर स्टूडेंट्स, वेर आर अदर्स। यस कीर्ति, यू आर गिविंग सम वंडरफुल एग्जाम्पल, आई शुड से दैट। हाँ पैराशूट ऑयल, कोकोनट ऑयल, करेक्ट, कोकोनट ऑयल को पैराशूट ही बोलते हैं। सो बालाजी चिप्स ब्रांड नेम, करेक्ट। कि तुम लोगों को सब ये सब चीज मालूम है, तो ब्रांड का वैल्यू क्या है, ये हमारा इनटैंजिबल एसेट है। मैं डर गया थोड़ी देर के लिए, निष्का बोली ये कह को अभी से गुड नाइट बोल रही है, कंटाला आ गया इसको लगता है, क्या बोल रही है, जाओ जाओ अभी, बस हो गया, बहुत सिखाया आज हमको, डायरेक्ट गुड नाइट, बाय बाय, सी यू ऑल। यस, अरे नहीं, बाद में मेरे बाद में ध्यान में आया कि तू ब्रांड नेम बोल रही है। तो यू नो सो मेनी ब्रांड नेम्स एंड हाउ दे आर यूज्ड, सो दे आर ऑल एसेट्स, ठीक है। कॉपीराइट्स क्या होता है, कॉपीराइट कॉपी करने का अधिकार। यस यस, गॉट इट चंदन, यू ऑल आर परफेक्ट। द लीगल राइट दैट मे बी ओनली, ओके, सॉन्ग में पेस्ट है। यस करिश्मा, राइट। कॉपीराइट क्या है, कॉपीराइट, यस यस यस, हम लोग ब्रांड नेम से बाहर आते, ब्रांड नेम से बाहर आते, कॉपीराइट क्या है। अच्छा वो ब्रांड नेम का मेरे को सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं देना भूल गया, जेरोक्स। जेरोक्स इज द नेम ऑफ अ कंपनी, डू यू नो दैट। एक्चुअली वो जो रहता है वो डुप्लीकेट कॉपी होता है। जेरोक्स इज द नेम ऑफ अ कंपनी, मैं आता हूं कॉपीराइट में, मैं वापिस एक कदम पीछे आ गया। ब्रांड नेम्स में मैं एग्जाम्पल बता रहा था, दैट इज जेरोक्स। तो जेरोक्स जो है एक्चुअली, हम लोग जाके कितने तो भी बार बोलते हैं जा जेरोक्स लेके आ, एक्चुअली वो जेरोक्स नहीं, वो डुप्लीकेटर होता है, कार्बन कॉपी जैसा होता है वो, लेकिन लोगों ने उसको जेरोक्स इतना फेमस कर दिया है कि आप जाके बोलोगे मेरे को डुप्लीकेट कॉपी दो तो दुकान वाला बोलेगा काय पाहिजे तुला, चलो जेरोक्स निकाल के, एक्चुअली वो डुप्लीकेट कॉपी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट। ओके, कॉपीराइट का आपने एग्जांपल बहुत अच्छा दिया। यस, कॉपीराइट इज नथिंग बट, अगेन कॉपीराइट इज नथिंग बट, इट इज वन ऑफ द वेज ऑफ प्रोटेक्टिंग आवर लीगल राइट्स ओवर, किसी ने बुक लिखा होगा उसमें सी लिखते हैं, स्टोरी लिखा होगा तो उसमें सी लिखते हैं, अगर किसी ने अपना क्या बोलते हैं वीडियो बनाया है
किसी का सॉफ्टवेयर है, सब जगह पे सी को सर्कल में लिखते हैं, मतलब कॉपी मत करो। अगर इसको कॉपी करोगे तो हम ये आपके ऊपर लीगल एक्शन लेंगे। यस चंदन पांडे, थैंक यू फॉर दैट। उसने लिखा है देखो कैसा रहता है। आर इज रजिस्टर्ड, आर इज रजिस्टर्ड, सी इज कॉपीराइट। ओके, तो कुछ जगह पर कॉपीराइट होता है, कहीं कहीं पर पेटेंट होता है, एंड दीज आर ऑल कमिंग अंडर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो ये तो हम लोग एक ही एसेट के बारे में कब से बात कर रहे हैं मालूम है क्या? वी आर ऑल टॉकिंग अबाउट विच काइंड ऑफ एसेट, वी आर टॉकिंग अबाउट फिक्स्ड एसेट। एसेट में एक और एसेट है एंड दैट इज कॉल्ड एज करंट एसेट। तो व्हाट आर करंट एसेट्स? विल अंडरस्टैंड, डेफिनेशन बोलता है करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। जनरली करंट एसेट्स, करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जनरली अ ईयर। जो एक साल में कैश में कन्वर्ट हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं करंट एसेट। फॉर एग्जाम्पल स्टॉक ऑफ गुड्स, दुकान के अंदर जो सामान पड़ा है। हम लोग दुकान में सामान क्यों रखते हैं? हम लोग दुकान में सामान बेचने के लिए रखते हैं, ठीक है? कोई भी सामान हो, इट इज कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ फ्यू डेज, देयरफॉर दैट इज अ करंट एसेट। आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड टू ऑल ऑफ यू, दैट इज डेटर्स। इसको प्रोनाउंस करते वक्त बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग डेप्टर्स बोलते हैं, रॉन्ग। बी इज साइलेंट, तो बोलते हैं डेटर्स। मैं चाहता हूं कि सब लोग अनम्यूट करके एक बार मेरे को डेटर्स बोल के बताएं। डेटर्स 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 इतना डेटर्स क्यों बोल रहे हो? डेटर्स आवाज आने दो ना। डेटर्स यस डेटर्स डेटर्स नहीं हो डेटर्स। हाँ डेटर्स, वेरी गुड। डेप्टर्स नहीं पढ़ने का, मैं मारेगा तुमको कभी भी मिला तो रास्ते में। डेप्टर्स इज अ वेरी रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, इट इज डेटर्स। क्योंकि इतना सिखाने के बाद भी लोग गलत प्रोनाउंस करते हैं। डेटर्स आर नथिंग बट आवर कस्टमर्स। हु आर कस्टमर्स? कस्टमर्स यानी वो लोग जिनको हम लोग उधारी में सामान बेचते हैं, वो लोग जिनसे हमको पैसा मिलने का रहता है उनको बोलते हैं कस्टमर्स, या अकाउंटिंग भाषा में उनको बोला जाता है डेटर्स। ध्यान में रहेगा क्या वर्ड एवरीवन? वर्ड इज डेटर्स, रिमेम्बर। यस आई विल रिपीट अगेन। डेटर्स यानी वो लोग जिनको हम लोग सामान उधारी में बेचते हैं। ऑल दोस पीपल टू हूम गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस आर कॉल्ड एज डेटर्स। ऑल दोस पीपल टू हूम गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस आर कॉल्ड एज डेटर्स। डेटर्स आर अवर कस्टमर्स। We have to receive the amount from the customers. हमको वो डेटर से पैसा मिलने का होता है। Now clear? कीर्ति मिश्रा, अन्नपूर्णी अय्यर,
यू कैन अनम्यूट एंड टेल मी इफ यू वांट. यस ऋषिका, यू वांट टू आस्क एनीथिंग? ग्रेट. सो मैंने क्या बोला रे, अन्नपूर्णा ही बोला ना, गलत बोला मैंने कुछ? आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट. सो टेक्निकली स्पीकिंग, अच्छा अन्नपूर्णा ही बोला, एक ही बात है रे, खाना देने वाली कोई बोलता है अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णा बात है. सो व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट आई फॉरगॉट. हाँ, टेक्निकली जहां पर सर्विस इंडस्ट्री होता है वहां पर सामान तो नहीं बेचा जाता है, उन लोगों को जिनको सर्विस दिया जाता है उनसे भी जो पैसा मिलने का है, क्योंकि सर्विस दिया तो पैसा मिलने का है, तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज डेटर्स, या कभी कभी उसको और पॉलिश्ड लैंग्वेज में रिसीवेबल्स बोला जाता है. क्या बोलते हैं उसको? रिसीवेबल्स. हेरम कोचिंग क्लासेस के नजर से आप लोग सब लोग कौन हैं? हेरम कोचिंग क्लासेस के नजरों से आप लोग कौन हैं? रिसीवेबल इज अ टफर वर्ड. यू कैन से यू ऑल आर डेटर्स, क्योंकि यू हैव टू पे टू हेरम कोचिंग क्लासेस सम अमाउंट, वट एवर इज द अमाउंट, यू हैव टू पे दैट अमाउंट टू हेरम कोचिंग क्लासेस. सो यू ऑल आर डेटर्स. So stock of goods, debtors, cash at bank, bank में पड़ा हुआ पैसा, cash in hand, or sometimes even prepaid expenses, prepaid, pre मतलब पहले, paid यानी पहले से जो खर्चा pay कर दिया, जो खर्चा आया ही नहीं है लेकिन जिसका payment हो गया, ऐसा जो चीज होता है, basically हमने advance में payment कर दिया किसी को, तो टाइम लगने पर हमको पैसा वापस मिल सकता है, इसीलिए याद रख लेना उसको हम लोग हमारे करंट एसेट्स ऐसा बोलते हैं. करंट एसेट्स का मीनिंग सब लोगों को समझ में आया क्या दोस्तों? डिड एवरीवन अंडरस्टैंड? बेसिकली आप लोग सब लोगों को याद रखना है एसेट्स यानी, मैंने बोला, एनीथिंग और आर्टिकल विच इज परचेज बाय बिजनेसमैन फॉर बिजनेस यूज एंड जनरली यूज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. बेसिकली वो जो बात हो रहा था दैट वाज अबाउट फिक्स्ड एसेट्स. ठीक है, वेरी सिंपली पुट अप, एसेट्स आर रिसीवेबल्स ऑफ द बिजनेस, जो पैसा बिजनेस को मिलना है. ऑफकोर्स कहाँ से आएगा स्टॉक ऑफ गुड्स? आप परचेस करोगे, दुकान में रखोगे, तो दुकान में जो सामान पड़ा है उसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक ऑफ गुड्स. ऐसा कोई दुकान आपने देखा ही क्या जो रोज खाली हो जाता है? ऐसा कोई दुकान देखा ही क्या? शेयर्स के बारे में आता हूं बेटा, दो मिनट रुक जाएगा. अगर किसी का दुकान रोज खाली होता है मतलब उधर चोरी होता है. हर एक के दुकान में, दुकान बंद करते वक्त कुछ ना कुछ सामान रहता ही है, छोटा से छोटा रहेगा तो कम सामान रहेगा. इवन भाजी वाला देखो, होटल्स देखो, जनरल स्टोर्स में तो इतना सारा सामान पड़ा रहता है. तो माय डियर फ्रेंड्स, ये जो सामान पड़ा रहता है इसको हम लोग स्टॉक ऐसा नाम देते हैं. क्या नाम देते हैं? स्टॉक. किसका स्टॉक है? जो सामान बेचने के लिए रखा है उसका स्टॉक है, इसीलिए स्टॉक ऑफ गुड्स. इसमें भी तो पैसा डालना पड़ता है ना बिजनेसमैन को, लेकिन वो बहुत टाइम तक नहीं रहते, इसलिए उसको करंट एसेट्स बोलते हैं. करंट एसेट्स मतलब जल्दी जल्दी खत्म होने वाला एसेट. जल्दी जल्दी खत्म होने वाला मतलब ने देखते देखते
थ्री इम्पोर्टेंट डेफिनेशन के बारे में बात किया. वी स्पोक अबाउट फिक्स्ड एसेट्स, वी स्पोक अबाउट करंट एसेट्स, वी स्पोक अबाउट गुडविल, ऑल्सो वी स्पोक अबाउट डेटर्स. डेटर्स क्या है? हु आर डेटर्स? डेटर्स आर दोज कस्टमर्स टू हूम गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस. उन्हें डेटर्स, डेटर्स आर कस्टमर्स टू हूम गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस. डेटर्स रिप्रेजेंट the amount receivable from such customers. My dear friends, we have completed about the assets part. I hope all of you are able to understand what is being taught to you. It's a very slow process that I am following, but let me tell you that जितना आराम से हम लोग चलेंगे उतना तुम्हारा फायदा है. ये बेसिक्स आपको क्लियर हो गया तो यू विल एंजॉय दिस सब्जेक्ट मोर.